शो के टिकट फुल हो चुके हैं, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ रहा है। तो चलो अब चलते हैं डी मार्ट में, कुछ होंगी वहाँ पे कुछ शॉपिंग करने की कोशिश करेंगे, जो पसंद आएगा वही लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं लेने वाले क्योंकि। तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और गाइज, आज के ब्लॉग में मैं जाने वाला हूँ नांदेड़ के लिए, और तो कुछ पर्सनल मेरे काम है, वो काम मैं यहाँ पे फाइनल करने वाला हूँ आज नांदेड़ में जाके। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। मैं अभी पेट्रोल पंप पे, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं पेट्रोल पंप पे कितनी भारी तादाद में भीड़ यहाँ पर हुई है, और इसी भीड़ की वजह से मैं अंदर नहीं जा पाया। संदीप को फाइनली भेज दिया मैंने कि भाई जा, तू पेट्रोल डाल के आ। तो गाइस, यहाँ से अभी सीधा निकलने वाले हैं नांदेड़ के लिए। तो पेट्रोल पंप से निकल चुके हैं, तो संदीप अभी हमारा आ चुका है, और रास्ते में गाड़ी चलाने का मजा तो है, अलग है कि हाईवे पे गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा होता है। तो राइडिंग करना तो अपना नेचर है भाई। हम अभी जा रहे हैं नांदेड़ के अंदर, और आप मेरे बालों की हालत देख सकते हो, हवा की वजह से गाड़ी पे पूरे बालों की वाट लग चुकी है आज, और सवाल खड़े हुए थे। तो कैनल चौक में हम अभी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, इसे बोलते हैं कैनल चौक। अभी मैं आ चुका हूँ अपने महिंद्रा फाइनेंस जो है उसी ऑफिस में आ चुका हूँ, और यहाँ पर कुछ काम है इसलिए हम अभी अंदर जा रहे हैं। यहाँ एक ICICI बैंक है, वहाँ पे हमें जाना है। तो अभी मैं आ चुका हूँ महिंद्रा फाइनेंस पे, और यहाँ पर ऊपर ICICI बैंक है, जो कि अभी सर जी का फ़ोन आया था मुझे, तो उनका कुछ काम है तो हम वहाँ पर जाएंगे। तो चलो अंदर जाने के बाद देखते हैं क्या होता है। आ चुके हैं, और अभी यहाँ से सीधा श्रीराम सिटी फाइनेंस जो है, गलत फहमी में हो गई थी हमें कि ICICI बैंक में जाना है, बट श्रीराम फाइनेंस में हमें जाना है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। गाइस, यहाँ का काम हो चुका है महिंद्रा फाइनेंस में जो मैं आया था, इस काम को मैंने पूरा किया है, और यहाँ से अभी मुझे निकलना है डी मार्ट के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर पर है, और यहाँ से अभी चलते हैं डी मार्ट। नांदेड़ के सड़कों पे हम निकल चुके हैं, और यहाँ से अभी जाना है सीधा डी मार्ट के लिए। तो नांदेड़ के सड़कों पे ना बहुत ही भीड़ भाड़ होती है, इसलिए अभी जो ब्लॉग बना रहा हूँ ये बाइक पे ही ब्लॉग की शूटिंग चल रही है, ना ही हमारे पास कोई अच्छा सा कैमरा है, बस मोबाइल से ही बनाता हूँ भाई। आपके प्यार में जो दिया है वही आपका प्यार होना चाहिए। साढ़े चौक में, और साढ़े चौक से आगे है फ्लाईओवर है, उससे फ्लाईओवर से अभी निकल चुका हूँ, और फ्लाईओवर से भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो डिवाइडर है, डिवाइडर से जो पेड़ लगाए गए हैं, वाकई रोड की सुंदरता बढ़ाने में बहुत ही मदद करते हैं। और अभी फ्लाईओवर आप देख सकते हो, ये नांदेड़ का चौथा फ्लाईओवर है, जो कि अभी हम इस फ्लाईओवर पर हैं। जाना है, जो कि एक्सवेटर है आगे, उसे एक्सवेटर से हम आगे जाने वाले हैं। तो अभी फाइनली शाम के 5 बज चुके हैं आते आते मुझे, और काफ़ी वक्त हो चुका है आने के लिए यहाँ पर, और आपको मैं मॉल का कुछ नज़ारा है ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर एक्सवेटर है, जो कि इस एक्सवेटर से हम ऊपर जाएंगे, अभी फ़िलहाल तो ये बंद है तो एडजस्ट करना पड़ता है, तो एक्सीलेटर के जरिए हम जो सीढ़ियाँ है उसी के ऊपर से अभी आ चुके हैं। तो मॉल में गाइस कुछ सामान जो होते हैं वो
चौक अभी है यहाँ पर। और सॉरी यार, एक्सीलेटर गलत एक्सीलेटर पे आ गया था, जो पीछे आने वाला एक्सीलेटर है उसके तरफ मैं आ गया था। तो फाइनली ये एक्सीलेटर चालू है और इसी एक्सीलेटर से हम ऊपर जाएंगे। तो चलो भाई, मज़ा तो आने वाला है एक्सीलेटर पे अभी, और ऊपर जा रहे हैं अभी क्योंकि PVR जो फिल्म का शो होता है वो PVR सिनेमेटिक्स कुछ ऐसा यहाँ पर है, जो कि अभी यहाँ पर आपको दिखाऊँगा। इसी सिनेमा में हम आ चुके हैं अभी। तो अभी शो चालू है यहाँ पर, कौन सा विलन रिटर्न्स जो शो है, और भूल भुलैया 3 भी यहाँ पर चालू है अभी। तो देखते हैं यहाँ पर शो। तो गाइस, फाइनली यहाँ पर अभी जो है शो के टिकट फुल हो चुके हैं, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ रहा है। तो चलो अब चलते हैं डी मार्ट में, कुछ देखते हैं डी मार्ट में क्या क्या मिलता है। तो डी मार्ट में हमें जो भी शॉपिंग होगी वहाँ पे कुछ शॉपिंग करने की कोशिश करेंगे, जो पसंद आएगा वही लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं लेने वाले, क्योंकि डी मार्ट में अभी जाएंगे तो देख लेंगे क्या पसंद आता है। तो चलो, तो गाइस फाइनली अभी डी मार्ट में आ चुके हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो घरेलू सामान होते हैं वो है। पहली बार डी मार्ट में व्लॉग हम अभी बना रहे हैं और व्लॉग यहाँ पर चालू है। तो डी मार्ट में पहली बार हमने व्लॉग की शूटिंग की है। तो फाइनली गाइस, कुछ डी मार्ट के जो ओनर होते हैं, उन्होंने स्टाफ जो होता है, उन्होंने कहा था कि व्लॉग मत बनाओ, बट अभी हम लिफ्ट में हैं तो व्लॉग तो बनने वाला है, क्योंकि हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं ब्लॉग बनेगा। तो अभी हम आ चुके हैं और ग्राउंड फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे जो कॉटन का एरिया होता है वहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा जो अपना जो घरेलू सामान होते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर बॉल है रखने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो बैग है जो कि बच्चों के लिए खेलने के लिए, बॉल है, जितने भी घरेलू सामान होते हैं वो सामान यहाँ पर मिलते हैं आपको। बट मैं आया था दूसरा सामान खरीदने के लिए, बट यहाँ पर मिल ही नहीं रहा वो। फाइनली अभी बाहर आ चुका हूँ डी मार्ट के, और काफ़ी समय लग चुका है डी मार्ट के बाहर आने के बाद, और जो मेन चीज़ लेनी थी वो तो नहीं ले पाया, बट ये दो शर्ट हैं जो कि मैंने अभी डी मार्ट से लिए हुए हैं। बट अभी डी मार्ट में टाइम कितना लगा ये तो पता ही नहीं चला, क्योंकि टाइम हो चुका है 7:30 बज चुके हैं रात के, और अभी यहाँ से मुझे निकलना है घर के लिए। तो जहाँ पर अपनी गाड़ी है भाई वहाँ पर, तो डी मार्ट में मैं गया था फाइनली, जो रेनकोट होता है वो मैंने ले के लिए, बट रेनकोट नहीं मिल पाया क्योंकि रेनकोट का जो भी स्टॉक था वो पूरा ख़त्म हो गया है। तो फाइनली अभी हमारी बाइक की तरफ हम जाएंगे, जो कि पार्किंग में लगाई। पार्किंग में और यहाँ पर अपनी गाड़ी है जो कि यहाँ पर लगाई गई है, और यहाँ से अभी निकलना है। यह आप मॉल का जो नज़ारा है वो बाहर से आप देख सकते हो कितना बढ़िया है। PVR नाम का ये मॉल है, और जो लातूर बाईपास पे बना हुआ है। तो अभी रिसेंटली यहाँ से मुझे निकलना है घर के लिए। आज बज चुके हैं शाम के 7, और मैं अभी आ चुका हूँ डी मार्ट के बाहर, और मैंने जैसे कि आपको डी मार्ट का बाहर का लुक दिखाया है, तो अच्छा खासा वीडियो बनाने की कोशिश की है डी मार्ट में, पहली बार वीडियो बनाया है डी मार्ट में। और जो स्टाफ है उनके स्टाफ ने साफ मना कर दिया था कि वीडियो मत बनाओ, बट हमने चोरी चुपके वीडियो बना लिया है। और अभी रास्ते में हूँ, घर के लिए निकलना है मुझे यहाँ से। और गाइज, आज का जो ब्लॉग था वो ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड। आई होप यू आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले इसलिए आप बेल आइकन को जरूर दबाना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।